Music of MSE, the the we are line mind blowing. Everybody my God. God. God, what is? happening? have? What is CD? No, it's different. Lag hai. Oh my God. Oh, oh God. my God, it's a pen drive. My Woo. God, this is this is what we call as the next generation music launch. सिग्नेचर स्टेप भी आपने सिखाया सबको <laughs> तो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले तो प्लीज एक बार वो सिग्नेचर स्टेप जरूर करके दिखा दें जी जी सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत जो भी सब लोग यहाँ पधारे हैं बहुत बहुत स्वागत और हमें लगता है वो सिग्नेचर स्टेप थोड़ी देर में कर लेते हैं पहले कोई और बात अगर करना चाहें या जो भी आपका प्रोग्राम है

And this is a million proud, dollar proud, moment. A million dollar proud moment. Proud moment. Proud moment for yes. the whole family. Dr. MSG along with his family. His two daughter and one son. And one son-in-law. And here, the house is open for press. Yes. Press, please overtake. You can ask any question. And please go ahead. Thank you. हेलो गुरु जी नमस्ते नमस्ते भाई सर यहाँ पर यहाँ पर सर जी 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 सर आपकी पहली फिल्म जो आई थी एम एस जी सेकेंड आई थी एम एस जी टू सर एस जी थ्री के बदले आपने लाइन हार्ट क्यों रखा आ, जो पहली फिल्म थी मसेंजर द मसेंजर और दूसरी फिल्म थी वो आपने बोला ही है कि एम एस जी का जो सेकेंड फिल्म था लेकिन ये जो थर्ड फिल्म है ये फर्स्ट टाइम है कि हम गुरु के किरदार में नहीं है एक जो किरदार था राजपूत योद्धा उसके किरदार में है तो ये फर्स्ट टाइम है कि हम एक किरदार निभा रहे हैं ना कि एक एज गुरु आ रहे हैं से तीस डिफरेंट रोल्स आपने निभाया है पिक्चर में ये आपने कैसे कर पाया सर आ, हम हमेशा कहा करते हैं कि हम एक इंसान हैं लेकिन वो ओम हरि अल्लाह की जब कृपा होती है तो इंसानों से ऐसे काम ले लेता है तो यही हमारे पास जवाब है और ऐसा कोई तरीका ही नहीं है कि जिससे हम ये बता सके कि काम कैसे किया आ, हमारे सभी साथी यहाँ बैठे हैं हमारे फाइट मास्टर आवाज़ अली जी हैं जितने भी एडिटर साहब हैं वो बच्चे भी हैं जो हमारे साथ आ, आ, फाइट किया करते थे तो हम एक साथ तो कैसे हो जाता था सब लोग हम बैठे बैठे खड़े खड़े डिजाइन बना लेते थे कोई हमारे पास स्टोरी बोर्ड नहीं था वहीं स्टोरी बोर्ड बनता था डंडे से ही। क्यों ना ना ऐसे कर लें असल तो 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 बातों से होता था तो ये सब हम तो यही मान के चलते हैं कि शायद ईश्वर की कृपा के बिना ऐसा संभव नहीं हो सकता सर, इसे, इसे क्या नेचुरल पावर कर सकते कह सकते हैं सर नेचुरल पावर दोबारा से बोलिए समझा जो एक इंसान इतना सब कर सकता है तो क्या हम इसे नेचुरल नही पावर या पावर ऑफ पावर ऑफ गॉड कह सकते हैं उसकी शक्ति है आ, इसमें कोई दो राय नहीं ये तो आपने अभी जैसे देखा होगा बहुत सारे ऐसे कार्य आपने देखे हैं कि हम ए टू जेड कर लेते हैं आ, थर्टी टू नेशनल गेम ऑलरेडी हम खेले हैं उनके कोच भी हैं और उनमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के लिए मेडल ला रहे हैं विजेंद्र ने अभी अभी मुक्केबाजी में पूरे देश का नाम रोशन किया विराट कोहली आप उनकी वीडियो है हमारे पास आप देख सकेंगे कभी कि उन्होंने कैसे आके हमसे सीखा था और आज वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो ऐसा हमारी कोई मान बढ़ाई नहीं है ये करने वाला ओम अल्लाह राम है क्योंकि वो शक्ति देता है वरना एक इंसान इतने काम सोच भी नहीं सकता करना तो बहुत दूर की बात है जब भी आपने नाम लिया है अपने सेवा जो क्रिकेटर्स एंड ऑल तो वो कभी आपका नाम लेते कभी दिखाई नहीं दिया सर ऐसा क्यों वो चाहे ना लें लेकिन आपको जल्दी ही हम उनकी वीडियो भी दिखाएंगे जब वो छोटे से बच्चे थे बच्चे नहीं कह सकते यूथ थे वो हो गए शिखर धवन हो गए जगदीश नेहरा है जहीर खान है यूसुफ पठान बिल्कुल ऐसे हुआ करते थे जब वहाँ गए थे और बताया करते थे कि मस्जिद में मैं हम लोग रहा करते थे और कैसे वो आगे आए तो उन्होंने आके हमें बोला बकार जो निस्से तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर हमारे पास आया करते थे और वो पूछा करते थे क्योंकि हम खुद प्लेयर हैं तो बहुत सारी चीज़ें उसके बाद उनके साथ हुई तो वो जानते हैं वो नाम नहीं लें उनकी मर्ज़ी ले ना लें लेकिन वो हमसे ऐसा पूछा था उन्होंने हमसे बहुत उनको बताया भी था सिखाया भी था हाँ बाबा जी ओहि फर्स्टली आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज टेक माय क्वेश्चन नोट जी जी कोई बात नहीं बेटा जो भी आप पूछे जैसा कि आपका नाम है बाबा राम रहीम इंसान तो नाम से ही काफ़ी मोहब्बत झलकती है आपकी लेकिन फ्यूचर्स बैक फ्यूचर्स बैक किक् शारदा का जो मामला हुआ था तो वो कुछ इंसानियत के हिसाब से ज़रा फिट नहीं बैठता था तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर कुछ ऐसा हादसा अगर आगे जी जी ऐसी कोई बात नहीं थी हमने तब भी स्पष्टीकरण दे दिया था फौरन हमने ट्वीट भी किया था और आज भी आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उन्होंने स्वस्थ अगर मिमिक्री की होती तो कोई बात नहीं लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि हम शराब पी रहे हैं हम नोट बांट रहे हैं जिसकी वजह वो किसी ने नहीं उठाई चीज कि उसकी वजह से लोगों को दुख लगा क्योंकि हमने पांच करोड़ नहीं आज छह करोड़ की शराब छुड़ाई है छह करोड़ का ड्रग छुड़ाया है और वहां दिखाया गया कि हम पी रहे हैं वहां उन चीजों को लोगों को इतराज था ना कि उनकी मिमिक्री का या किसी ऐसी चीज का जी

आ, बहुत बार इन हमारे इन साथियों ने देखा होगा शूटिंग के दरमियान ही हमने कोई तलवार बनानी है ये गधा बनानी है ये चीज बनानी है तो वही बैठे बैठे फट से बना दिया करते हैं तो ये सब भी उसी की कृपा है आ, जी आ, बाबा जी यहाँ पे आपके स्ट्रीट में हाँ जी हाँ जी मेरा नाम वसीम अख्तर है मैं इंडिया न्यूज से हूँ यहाँ पे जो आप मंच पे बैठे हुए हैं आपको देख के एक शेर याद आता है इजाजत हो तो कहूँ जी 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 खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद तेरी तकदीर से पूछे बता तेरी रजा क्या है तो सब कुछ कर लिया है जीवन में कुछ बाकी रह गया जो करना चाहते हैं अभी तो हमें लगता है शुरुआत है हमारी <laughs> क्योंकि उस खुदा के ही बंदों को सुधारना है और आप खुद भी जानते हैं कि कितने के कि सुधरे हैं अभी थोड़े ही सुधरे हैं छः करोड़ लोगों का अगर हमने ड्रग छुड़ाया है जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पूरे देश से अलग अलग धर्मों जात वहाँ किसी को ऐसे नहीं मानते बस एक मानते हैं कि सब मालिक के बंदे हैं बस बात ख़त्म कि उस मालिक ने सबको बनाया है और हमारा सबसे बड़ा एम वही है लोगों को ड्रग छुड़वाते हैं उनकी बैड हैबिट पे वो खुद कंट्रोल कैसे करें उनको सिखाते हैं और ये सिखाते हैं कि आप कभी भी

जिसमें बाबा को अपना साथ देना चाहिए और लोगों को लोगों में सुधार लाना चाहिए जी आ, हमें लगता है सिर्फ बाबा को नहीं हर इंसान को साथ देना चाहिए तभी समाज बदलेगा अकेला बाबा कोई कुछ नहीं कर सकता चाहे कोई भी क्यों ना हो भगवान अल्लाह राम भी आए हैं उसके पैगंबर भी आए लोगों ने साथ दिया तभी समाज बदले हैं संत आए ऋषि मुनि आए अः अगर वो अकेले होते कुछ नहीं जब वो कदम चले तो लोगों ने साथ साथ कदम उठाए आज बहुत सारी समस्याएं हैं हम 125 सौ आ, मानवता भलाई के कार्य शुरू कर चुके हैं जिसमें रिश्वत नहीं लेना एक भ्रष्टाचार बहुत बड़ी बात है हम उनसे फार्म भरवाते हैं रिश्वत देना नहीं और लेना नहीं लगभग डेढ़ लाख के करीब लोगों ने वो फार्म भर दिए हैं आ, हमें लगता भी है अभी शुरुआत है और इसी तरह बहुत से कार्य है जैसे लड़के लड़कियों से फार्म भरवाते हैं कि आप लड़के जो हैं वो लड़कियों को गलत हरकत नहीं करेंगे और लड़कियां लड़कों को उस तरह उकसाएंगी नहीं ऐसा नहीं करेंगे तो वो भी फार्म हजारों लाखों की तादाद में वहाँ भरे जा रहे हैं तो इस तरह समाज के में बहुत सारी बुराई जो आपने बोला बिल्कुल सही है इतना ज़्यादा समाज में बिगड़ा हुआ समाज है कि पूछिए मत आ, लोग ये सोचते हैं राम राम सामने वाला पूछता बोल क्या चाहिए यार सलाम या राम राम नहीं बोल सकते कहता मैंने सोचा कुछ लेना होगा मतलब आगे से जवाब वैसा नहीं मिलता तो ऐसा खुद गरज ये जमाना है ऐसा समय है भारी हो हल्की हो तो कहते हैं यार बाप था तो था मैं क्या करूं मतलब आज का ऐसा लोगों के मुंह से सुनते हैं जबकि हमारी सभ्यता गजब की है चाहे किसी धर्म को ले लीजिए वो वर्ल्ड का नंबर वन था वन है और मालिक ने चाहे उसको वन ही रख के देखेंगे इजाजत हो तो एक सवाल और मैं पूछ सकता हूँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी अक्सर जब शाम को टेलीविजन हम लोग खोलते हैं तो उस पर डिबेट चलता है कि हिंदू मुसलमान रिलीजन को लेकर के तो क्या फ्यूचर में कोई ऐसी फिल्म बनाएंगे जहाँ पे हम दोनों समुदाय को हिंदुस्तान के जितने भी समुदाय को हैं सबको एक कर सके जी जी बिल्कुल बिल्कुल एम एस जी टू में भी हमने एक डायलॉग बोला था फिर से आपकी नज़र करते हैं ना हिंदू बुरा है ना ही सिख ईसाई मुसलमान बुरा है बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है धर्म मजहब बुरे नहीं होते yes. बुराई जिसके दिमाग में आ गई क्या पता वो कौन सा पहनावा पहन के घूम रहा है वो गलत हो सकता है हमने हर धर्म को रिसर्च किया है तो धर्म में गलत कहीं भी कुछ नहीं लिखा है बाबा जी आई एम कुमार मोहन हेयर कैन यू कैन यू पुट सम लाइट ऑन दिस टाइटल लाइन आर्ट जी थोड़ा डिफाइन करिए उसमें क्या है इसका टाइटल से क्या आँ, 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 है आपका? जी जी, जी जो लायन हार्ट है अगर हिंदी में बोलें तो शेर दिल की वो एक ऐसा टॉप एजेंट है इंडिया का सीक्रेट एजेंट लायन हार्ट जो कि पूरे देश के लिए लड़ता है और खास करके बहनों की इज्जत के लिए और धरती माँ की इज्जत के लिए तो ये फिल्म उसके बैकग्राउंड में जाती है कि वो बना कैसे तो वो क्या था एक योद्धा था कैसे उसने शुरुआत की कैसे उस समय आज से 300-400 साल पहले एलियंस आए कैसे वो इस धरती में अपने वंशज को चलाना चाहते थे और कैसे वो उनसे लड़ा और उसमें बहुत सारी उसकी पारिवारिक स्टोरी भी है तो वो बैकग्राउंड में जाते हैं लॉयन हार्ट के तो वो शेर दिल होता है और फिर से वापस आते हैं तो वो लॉयन हार्ट है तो ये फिल्म बैकग्राउंड में ज़्यादा चलती है और फिर इसका असल में हकीकत ये है कि इसका सेकेंड पार्ट पहले लिखा गया था फर्स्ट हमने बाद में लिखा कि वो जरूरी था कि भाई इसका आखिर किसी ने बोला कि गुरुजी ये लॉयन हार्ट बना कैसे क्योंकि वो बहुत ही हाईटेक है जो लॉयन हार्ट आपने देखा होगा तलवार फेंकता है पेन बना के यहां रख लेता है पेन को फेंकता है तो तलवार बन जाती है। तो बहुत हाईटेक है लेकिन किसी ने वैसे बोल दिया गुरु जी ये इसका ये बना कहां से हमने कहा कल को बताएंगे तो एक घंटे में मालिक की कृपा से हमने वो स्टोरी बनाई जो आज आपके सामने और डेढ़ दिन में विद डायलॉग स्क्रिप्ट हमने ये तैयार करके शूटिंग शुरू कर दी थी वेल well, बाबा जी आपके ड्रेस सेंस की बात करें जैसे मैम ने कहा अभी काफी यूनिक ड्रेस सेंस है और हीरोजम की भी आप एक नई डेफिनेशन लेके आ रहे हैं जो जै। है जैसा कि नॉर्मली और एक्टर्स हैं अक्षय हों ऋतिक हों या हुए आप नॉर्मली uh, आपका बॉडी जो है फिजिक जो है दैट्स नॉट मस्कुलर सो हु फैशन फैशन आइकॉन और कौन ऐसे एक्ट्रेस हैं जिनको आप एडमायर uh, करते हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में हम तो हमेशा आपसे कहते रहें एक को ही हम मान के चलते हैं और वो है ओम हरि अल्लाह राम उसी को मान के चलते हैं और जैसे आपने जो सवाल किया हमने कभी किसी एक्टर को बुरा कहा ही नहीं हर कोई अपना अपना काम करता है हर कोई अपने अपने काम में मस्त है जिसका काम आपको अच्छा लगता है वो अच्छा है जिसका अच्छा नहीं लगता बेचारा वो कई बार घर में चला जाता है तो आ, हमारा ऐसा कोई आइकॉन कोई एक्टर ना तो इंडिया का या ना क्योंकि हमारा बचपन से एम ओम हरि अल्लाह राम था कि उसी की भक्ति इबादत करना है और ये अपने आप और हम करते जा रहे हैं और जो आपने देखा था मस्कुलर अगर तेरह टन की बस खींच दें तो वो मस्कुलर है और अगर हम नहीं खींच पाए तो हम मस्कुलर नहीं है ये हमें कुछ बात जची नहीं क्योंकि वो तेरह टन की रियल में बुलेट प्रूफ बस थी जो हमने ग्रास पे खींची है क्योंकि किसी ने चैलेंज किया था पूरे वर्ल्ड में से लोग आए हुए थे साइंटिस्ट कि गुरु जी ब्रह्मचर्य क्या होता है ये जीरो होता है तो हमने कहा वो सामने बस खड़ी है बुलेट प्रूफ कहते हाँ जी तो आप खींच के दिखाओ तो वो पच्चीस लोग लगे ग्रास पे थी वो हिली भी नहीं हमने कहा अब हम देखते हैं तो हम कहीं से शूटिंग करके आ रहे थे आपने पगड़ी देखी होगी वो शूटिंग थी कहीं तो हमने ऐसे बांध के छाती पे एक पट्टी लगा के पिल्लो मोटा और रस्सा बांध के तो उसको खींचा और वो मालिक की कृपा से चौदह मीटर चलेगी लगभग तेरह टन की बस तो ये मस्कुलर से पावर नहीं आती हमें लगता है पावर ईश्वर की शक्ति से और आदमी का कमाया हुआ शरीर हम पूरा पूरा दिन फावड़ा चलाते थे Uh, जब हम हम एग्रीकल्चर करते करते थे, थे। हालांकि बहुत 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 बड़ा था, पर लगातार हमने हमने जिम बहुत कम किया किया। है। ये आपने जो देखे बच्चों को सिखाने के लिए, बहुत हम ऐसा करते थे। लेकिन अदरवाइज़ प्रैक्टिकली ज़्यादा जी जी बिल्कुल जी हाँ, हाँ। जी बिल्कुल बिल्कुल जैसे ही आप इन साथियों से भी पूछ सकते हैं जो हमारे साथ काम करते जब भी हमें फुर्सत मिलती थी हम भाग के जाते जब मान लो दो घंटे हमारा शॉट नहीं है तो हम इनको कहते हैं अभी आए और हम जाके वहाँ म्यूजिक बनवाते थे पूरा सेटअप कंप्यूटर लगे हुए हैं पूरा सब कुछ और बताते थे कि नहीं ये वाला नहीं यहाँ ये आना चाहिए यहाँ ये आना चाहिए तो हंड्रेड ही हम उनको देते थे और तभी ये आ, उसकी कृपा से ये संभव हो पाया कि बहुत जल्दी ये म्यूज़िक बना फिल्म के साथ साथ म्यूजिक भी बनता गया साथ साथ मैं आज सर जी हेलो जी जी कुछ टाइटल ट्रैक के बारे में कुछ बताएंगे सर अ ये जो सॉन्ग है जो वो योद्धा है जब वो जीत के आता है तो उसकी खुशी में उसके परिवारजन गाते हैं और जब हम ये शूट कर रहे थे आज संतोष जी शायद हमें दिखे नहीं जो डीओपी साहब हमारे साथ लगे हुए थे हमें इकट्ठे करते थे वो शॉट वगैरह लेना है तो एक ढोल आपने देखा होगा ये 21 फुट ऊंचा है और लगभग 30 फुट चौड़ा है ये और ये जब बनाना था तो एक ही इसके साइड में 10 फुट की प्रकार 20 फुट का एक नगाड़ा है तो एक ही नगाड़ा था और हम सुबह पांच बज गए पहला शॉट लिए वो दूसरे थे ये लास्ट में शॉट लेना था तो हमने कहा ये तो एक तो गंदा लग रहा है चलो अपना एक और बनाते हैं तो वो पूरे दिन में एक शॉट बना फिर उसको उठाना था तो आप जानते हैं फिल्मी कैसे फिल्मी तरीके से उठाया yes वैसे तो कैसे कोई उठा ले क्योंकि वो ठीक भी नहीं लगता और जैसे हमने उठाया उठा के उसको निकलना था नीचे से तो ये जो गिरा और आसपास जो इसकी धूल उड़ी थी वो शायद रियल में कुछ पता नहीं क्यों नहीं आ पाई तो वो अपने आप में बच्चे डर के भागे थे जो डांस कर रहे थे फिर दोबारा से डांस करवाया तो ऐसी कई चीज़ें इस सॉन्ग में हुई हैं जो एट द स्पॉट ही हम लोगों ने क्रिएट की कि वो एक दिन में इतने बड़े बड़े सेट बने तो संतोष जी ये डी साहब यही कह रहे थे कि मैंने बहुत सारे सेट पर देखा है बहुत सारे बड़े बड़े कोरियोग्राफर से देखा है आर्ट डायरेक्टर को देखा है लेकिन ऐसे एक दिन में ऐसा कुछ बन जाए ये पॉसिबल नहीं हमने कहा यहाँ मालिक का नाम है उसी वजह से पॉसिबल तो ऐसी चीजें इसमें देखने को मिली और गाते टाइम कुछ ऐसा लगा नहीं क्योंकि हम लगातार 130 सौ पूरी पूरी रात गाते रहे हैं तो ऐसा अलग से कुछ लगाने की अलग से कुछ करना पड़ा अच्छा गुरु जी ये मूवी अपना में शूट हुआ है ये अगर दिन काउंट करें और घंटे दो घंटे टू जो घंटे इस इसमें लगे हैं क्योंकि बीच बीच में हमें सत्संग करने जाना पड़ता था टाइम पीरियड उस तरह से नहीं अगर काउंट करें तो 25 दिन जो मान के निकाले गए कि 25 दिन में ये पूरी मूवी शूट हुई जब oh, बाबा जी आजकल फिल्म मेकिंग के बाद का जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है वो है फिल्म की पब्लिसिटी फिल्म को प्रमोट करना तो अक्सर ये देखा जाता है कि चाहे वो सलमान खान हो या शाहरुख खान हो अपनी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए टेलीविजन रियलिटी शोज में जाते हैं तो इस बार क्या ऐसा कुछ मौका रहेगा जाएंगे इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए या इनविटेशन आ चुका है ऑलरेडी जी ऐसा कोई इन्विटेशन आया होगा तो वो हकीकत वालों को पता हो सकता है क्योंकि जब भी वो कहते हैं कहीं जाना है पिछले जो एम एस वन में हम गए थे पूरा इंडिया में गए थे एम एस टू में थोड़ा कम गए और इस बार अभी हमने उनसे कोई ऐसी बात नहीं क्योंकि हम कल ही आए हैं तो अभी पूछेंगे उन्होंने क्या ऐसा कोई प्रोग्राम बनाया है अगर बनाया तो जरूर जाएंगे नहीं बनाया तो आप लोग हैं ही ना तो हमें लगता है काफ़ी है तो गुरुजी गुरु यहाँ पर जी जी लेफ्ट में, लेफ में, लेफ में लेफ्ट में लेफ्ट लेफ्ट जी जी सर अभी कुछ समय के बाद आपको एक अवार्ड मिलने जा रहा है तो क्या उस बारे में आप कुछ बताएँगे जी अवार्ड के बारे में हमें वहाँ पे जाके कि सज्जन ने यहाँ के मुंबई के बताया था कि गुरुजी ऐसा अवार्ड है तो हमने कहा हम मानवता भलाई के जो कार्य कर रहे हैं ये हकीकत आपने देखी है ये शूटिंग नहीं है ये रियल शॉट आपने जो देखे थे कि जो वैश्या में लिप्त लड़कियां हैं उनको हमने अपनी बेटी बनाया और सत्रह उन्नीस शादियां हो चुकी हैं ऐसी जो लड़कियां जिनको लोग फेंक देते हैं कुत्तों के आगे से भी हम बच्चियों को उठा के लाए खुद भी और बहुत बहुत सारी ऐसी अब अब तक तीस बेटियां वो हो गई हैं तो ऐसे कार्य हमने बहुत सारे चला रखे हैं और नाइनटी से चलाए हुए हैं बहुत सारे कार्य तो वो सब जब उन्होंने देखा तो वो कहे गुरु जी वैसे आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस अवार्ड को लें ताकि दुनिया तक वो बात जाए तो हमने कहा फिर कोई हर्ज नहीं अगर आप ये दुनिया तक बात पहुंचाएंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारे एक आपके यहाँ आने से अगर ये बात वहाँ जाती है हम तो कब से इसीलिए लगे हुए हैं कि समाज उस बात को समझे और बेटियों को गर्भ में ना मारे और बेटियों के साथ ये जो जबरदस्ती या ये ऐसी चीजें हो रही है एसिड अटैक हमने उसके लिए वहाँ स्किन बैंक भी बनाया है किसी बच्चे की बाइक पे चोट लगती है या बच्ची की तो इस तरह वो चीजें सब दुनिया में जाएंगे लोग जागरूक होंगे तो ये चीजें हट जाएंगी सर और एक सवाल है आ, जी आ, जी। आ, आपके आप ऐसा कहते हैं कि आपने जो आपकी किसी की फरमाइश होती है आपके चाहने वाले की वो आप पूरा कर देते हो ऐसे कहते हैं जी जी तो मेरा सवाल यह है सर अब आप तक आपने हजार ड्रेसेस बनाए अपने आप पर सही इसको कहाँ पर आप रखते हैं <laughs> जो भी ड्रेस हम बनाते हैं हकीकत यह है कि इन ड्रेसों को बाद में जो लोग चाहवान होते हैं उनको दे देते हैं हम रखते ही नहीं बहुत सारे लोग बहुत सारा यूथ आता है और वो उनको हम शर्त ये रखते हैं इसके बदले में आप इतने लोगों का इलाज करवाएंगे बैंक में पैसा जमा करवाएंगे और वो लोग जाके खाता खुला हुआ है जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग का तो वहाँ पैसा जमा करवाते हैं फिर उनके वो पैसे चेक के द्वारा जिसको जरूरत तो होती है उन तक रोजाना या हफ्ते में एक बार संडे की संडे लोगों तक पहुंच जाता है बाबा यहां पर सर बाबा जी स्ट्रेंट, स्ट्रेंट। 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 जी बेटा uh, सर जी आज uh, मोदी जी का जन्मदिन है तो आप कुछ मैसेज ही देना चाहेंगे उनको uh... अपने अंदाज में जी हमारा अंदाजा है कि उन्होंने एक शुरुआत जो हमारे सारे धर्मों की है तब भी की थी जब वो प्राइम मिनिस्टर बने थे और आज भी की है कि वो माँ के चरणों में जाके बैठे थे माँ के चरणों में स्वर्ग होता है जन्नत होता है ऐसा सबने बोला है कम पूरी दुनिया में ये चीज़ जाती है कि हाँ चाहे आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए माँ के लिए तो वो छोटा बच्चा ही होता है तो ये बड़ी चीज़ हमारी सभ्यता हमारी संस्कृति का बहुत ऊँचा नाम हुआ है बाकी जो कार्य कर रहे हैं जो हमने सुना और जो हमने देखा है कि बहुत ही अच्छे लगे वो कार्य जैसे सफाई महाअभियान को उन्होंने अपनाया बेटियों वाले मुद्दे को उन्होंने उठाया तो और भी वो जो कार्य कर रहे हैं लेकिन हथेली पे सरसों तो नहीं जमती पर उम्मीद जरूर है कि वो हर हर कौम के लिए, हर के लिए लिए देशवासी जरूर अच्छा करेंगे आ, बाबा जी आ, नमस्ते सर मेरा नमस्ते नाम नाम, बेटा मेरा नाम किशन है सर जैसे कि आपने वेमेन एम्पावरमेंट की वीडियो हमने देखी आपने वैश्य महिलाओं को भी आपने शादी कराया हाँ सर तो मेरा सवाल है सर हाल ही में मुस्लिम समुदाय में जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है ट्रिपल तलाक को लेके तो आपको लगता है कि इसे बैन करना चाहिए क्योंकि विश्व भर में इसे बैन किया गया है आपकी क्या राय है इस पर हम हमने यहाँ तक धर्म को पढ़ा है हम अपने अकॉर्डिंग कहेंगे हम किसी और के अकॉर्डिंग नहीं क्योंकि हमने सभी धर्मों को जैसे चारों वेद पढ़े हैं गीता रामायण महाभारता तो इन पवित्र ग्रंथों को हमने पढ़ा उसी के साथ पवित्र कुरान शरीफ़ कुरान मस्जिद इन पे हमने रिसर्च किया सभी धर्मों पर तो उसमें हमें नहीं लगता कि पैगंबर साहब ने कभी यह कहा होगा कि किसकी की बेजती करो या किसी को पल में बेघर कर दो हमें लगा नहीं उनकी बाणी पढ़ के उनकी एक एक अल्फाज पढ़ के हमें लगा ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा बाकी इसके विचारक जानते हैं कि सही क्या है गलत क्या है क्योंकि धर्म का मुद्दा है लोग हमारी बात का तो वैसे ही जरा सी बात को उठा लेते हैं लेकिन यह हमारा नजरिया है कि उनका पहला रहमान रहीम कि जो रहमान है वो रहमो करम करने वाला है ये उनका पहला अल्फाज हैं. तो जो कहता है वो कभी किसी पे जाती हो जाए ऐसा सोच नहीं सकता बाबा जी आ, आपका इतना हेक्टिक स्केड्यूल होके भी आप इतने फ्रेश और एनर्जेटिक कैसे लगते हैं क्या राज है? <laughs> ये बहुत सारे बच्चों का सवाल रहता था वहाँ शूटिंग करते थे आपने बेटा जो कहा बिल्कुल सही कहा बहुत सारे लोग ऐसा मानते ही नहीं थे हम आपको इसी बात का जवाब देने से पहले बताएंगे कि हम बेटी के साथ आ रहे थे मुंबई में पिछली बार तो हमारे साथ उनका बेटा बैठा हुआ था तो वो एक एयर होस्टल लड़का आया कहता गुरु जी आपका बेटा है हमने कहा नहीं हमारी बेटी का बेटा है कहता हो ही नहीं सकता हमने कहा यार बेटी का बेटा है कहता नहीं 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 मानते नहीं मैं वो चला गया वहाँ बेटी पीछे बैठी थी कहता दीदी वो सॉरी मैं आपसे पूछ रहा हूँ आगे जो ऐसे गुरु बैठे हैं तो उनके पास बच्चा किसका है कहती मेरा बेटा है हमें आके सॉरी बोला कहता गुरुजी गुरु जी है तो उनका बेटा पर मैं नहीं मानूंगा मुझे लगता आपका है तो, <laughs> तो हकीकत ये है बेटा हम जो हमारे सारे धर्मों का निचोड़ है कि भाई इबादत करना चाहिए कलमा अता करना चाहिए भक्ति करनी चाहिए गुरुमंत्र मैथ मेडिटेशन करना चाहिए हमने शायद पाँच साल की उम्र से वो शुरू किया था और आते आते हम पंद्रह पंद्रह घंटे भी करते रहे और उससे ऐसी एनर्जी आती है ऐसी ताकत आती है सामने क्या आ रहा है लोग आपको क्या बोल रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता हम सही मार्ग पे जा रहे हैं तो चलते ही जाएंगे लोग कहने वाले कहते रहें क्या फ़र्क पड़ता है हम स... तो शायद वही कारण है ये सब कुछ अदरवाइज बेटा अलग से हमने ऐसा कुछ किया नहीं थैंक यू जी जी बेटा गुरुजी मेरा सवाल दोबारा आपसे लेफ्ट में है जी जी लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट में लेफ्ट में जी सर आ, स्क्रीन में तो आप बड़े आ, क्या कहते हैं कि गुस्से से पेश आ रहे हो सभी को मार रहे हो अब रियलिटी में आपको गुस्सा आता है क्या जी बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा फिल्म में फिल्म का अंदाज निभाना पड़ता है रियलिटी में भी कभी-कभार गुस्सा आता है और उसका कारण होता है कि हम एक संत हैं एक फकीर हैं हमें लगता है कि ये इंसान ये गलत काम कर रहा है और अगर इसको रोकेंगे नहीं तो इसके आने वाले दिन बहुत ही खराब हो जाएंगे हम प्यार से रोकते हैं इज्जत से रोकते हैं नहीं मानता तो कई बार थोड़ा गुस्से में भी बोलते हैं ये तो करता क्यों नहीं मानता क्यों नहीं इस टाइप तो इस टाइप का तो हमें आता है सभी क्रू मेम्बरों ने भी देखा है लेकिन उसके पीछे हमारा पर्सनल कुछ ऐसा होता हो कि मेरे कपड़े खराब कर दिए या मेरा ये कर दिया उसके लिए कभी हमने कभी सोचा ही नहीं गुस्सा आना तो बहुत दूर की बात है हाँ ये चीज़ें जरूर होती थी कि जी सब आपकी आवाज़ ही काफ़ी है आप गुरु जी मैं आपसे एक लास्ट सवाल है ये फिल्म के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लाइन हार्ट आप हमारी जनता को देश को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिससे कि लोग उसके ऊपर अट्रैक्शन लें और इस बातों को जाए मैसेज जाए आपका लोग उसको देखें जी इस पूरी फिल्म में एक तो हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे इंडिया का जो यूथ है नौजवान है उसने पूरी दुनिया का नाम रोशन कर छोड़ा है अगर बाहर टेक्निक है तो हमारे यहाँ हाई टेक्निक है हमारे बच्चों के माइंड बहुत ही पावरफुल हैं उनको मौका नहीं मिल पा रहा आपने लॉइन हार्ट में देखा वो जो स्टंट कर रहे हैं कि पेन से ये बना वो बना वो बना ये रियल में भी ऐसा हो सकता है इतना ज़्यादा माइंड है इन बच्चों का क्योंकि इन्होंने ऐसा किया है एक छोटा सा उदाहरण एक डॉक्टर थे हार्ट स्पेशलिस्ट उन्होंने हमसे पूछा कि गुरु जी आ, हार्ट में ब्लड कैसे जाता है सीधा फ्लो है या लाइक के बुलेट हमने कहा हम कौन सा डॉक्टर हैं कहते तो मैं आपका शिष्य तो हूँ आप गुरु हैं तो बताना पड़ेगा तो हमने सोचा ईश्वर से प्रार्थना की ख्याल आया कि लाइक के बुलेट होता है तो उसने इंडिया में बहुत ट्राई की बहुत ऊपर तक गया लास्ट सबसे टॉप भी गया लेकिन उसको नहीं माना गया बहुत साल पहले की बात उसने जाके यूएसए में वो अपने कागज सबमिट कर दिए और यूएसए ने उसको मान लिया आज हार्ट की जो मानी जाती है थ्योरी वो बुलेट लाई के बुलेट ब्लड जाता है पहले वाली थ्योरी सब फेल हो गई और वो यूएसए का टॉप डॉक्टर है सो कहने का मतलब कि यूथ हमारा इधर का दिमागी तौर पे या पावर के तौर पे किसी से कम नहीं है पर उनको सही मौका मिल जाए तो हाईटेक इसमें थोड़ा सा हमने वो चीजें दिखाई हैं और फिर ये दिखाया है क्योंकि आमतौर पर फिल्मों में देखा गया बच्चे बताया करते हैं कि ज़्यादातर यही दिखाया जाता है भारत तो बड़ा ही गरीब है जी ये तो ऐसा है जी इस पर तो बड़े जुल्म हो रहे हैं लेकिन हमने ये दिखाया है हमारा भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था एक ऐसे ऐसे योद्धा पैदा हुए हैं लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते थे और इसमें जो योद्धा है वो बहनों की इज्जत और धरती माँ की इज्जत बचाने के लिए लड़ता है ताकि आज का यूथ जाग जाए इज्जत लूटने की बजाय इज्जत बचाने में लग जाए तो शायद इस भारत में कभी कोई ऐसा झगड़ा हो ही ना और ऐसी चीजें नफरत फैले ही ना गुरु जी अभी ये आपकी थर्ड फिल्म आ रही है हाँ जी हाँ जी और रिसेंटली आपको दादा सा फलका अवार्ड भी मिला और वहां पे उसमें सुना कोई फिल्म इंडस्ट्री के लिए बिकॉज यू आर एंड पार्सल फिल्म इंडस्ट्री

फिल्मी जगत में तो इसमें अगर किसी को ब्लड की जरूरत पड़ती है तो फ्री में उसे ब्लड डोनेशन किया जाएगा मालिक ना करे ऐसा हो पर किसी के थैलीसीमिया के मरीज बच्चा है या इस टाइप का तो उसका पूरा साथ देंगे और कोई नशा कर रहा है किसी का बच्चा और हद से ज्यादा उसके माँ बाप दुखी हैं कि भाई ये निकल ही नहीं पा रहा तो हम वहां जब बच्चों को रखते हैं वो टोटली फ्री होता है रहना खाना पीना सब और सिर्फ मंत्रा वो जो कलमा कह लें गुरु मंत्र कह लें उसके द्वारा हम टोटली नशा छुड़वा देते हैं तो ऐसा नशा छुड़वाने के लिए भी उन बच्चों को ले जाके हम उनका छुड़वाएंगे बस परिवार का एक मेंबर उनके साथ रहेगा उनका भी रहना पीना खाना सब फ्री होता है तो ये सारी पहल हमारे दिमाग में है और आज आपके द्वारा बताना भी चाह रहे हैं कि ऐसा कोई भी मजबूर इंसान जो इस जगत से जुड़ा है और वो ऐसा कुछ उसके साथ हो गया है तो वो ज़रूर मिले और हमारे लोग उनसे मिलें ताकि उनकी वो समस्या दूर कर पाए जी बाबा जी एक सवाल सर हाँ जी हाँ जी सर मेरा सवाल है कि बॉलीवुड के हर कोई स्टार चाहे वो शाहरुख खान हो सलमान खान हो वो कपिल शर्मा के शो में जाता है क्या आप भी जाएंगे फिल्म प्रमोट करने के लिए उनके शो में वही बात बेटा कि अगर उन्होंने ये टाइम लिया हुआ है हकीकत वालों ने तो जरूर जाएंगे और अगर उन्होंने नहीं लिया हुआ तो आपको बोला कि आप चौथा स्तंभ हैं हमें लगता है इससे बड़ी मशहूरी और इससे बड़ी बात दुनिया तक और कैसे जाएगी आप भी तो स्टार हैं ये हकीकत है हम आपके कोई मक्खनबाजी नहीं कर रहे क्योंकि हम फकीर हैं मक्खनबाजी कोई और करता होगा हम संत हैं तो हमें लगता है कि आप चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं है आप समाज को वो बात पहुंचा दें जो सच सच होती है तो हो ही नहीं सकता कि समाज ना बदले इसलिए आप चौथा स्तंभ हैं तो आपके सामने जब बात हो रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम आप तक संदेश पहुंचा और आप दुनिया तक पहुंचाएंगे बाकी उनका अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होगा तो हमें जाने में कोई ईगो या ऐसा वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता बाबा जी, जी जैसे कि आपने मीडिया के बारे में बात किया तो दो दिन पहले तीन पत्रकारों को पीटा गया बदसलूकी की गई हमारे एंटरटेनमेंट के सभी वरिष्ठ पत्रकार थे तो क्या कहना चाहेंगे ऋषि कपूर जी ने उन्हें बदसलूकी की रणधीर कपूर ने हमारे एक न्यूज़ 24 के पत्रकार को कमल सर को उन्होंने मारा और दूसरे पत्रकार को एक सुमित सर है जो एंटरटेनमेंट के हेड वरिष्ठ पत्रकार है इंडिया टीवी के उनको भी गिराया गया तो आप कैसे देखते हैं कि बॉलीवुड के एक्टर्स पत्रकारों से बदसलूकी की गई आप एक बाबा है आप हमेशा एक अच्छा ही मैसेज भेजते हैं हर जगह लोगों के एक गुड मैसेज आप भेजते तो पत्रकारों को पीटना बदसलूकी करना आप कैसे देखते हैं अगर जैसे आपने बताया क्योंकि हमने ये न्यूज देखी नहीं है और हमें पता नहीं हुआ क्या वास्तव में अगर उन्होंने ऐसे मारा पीटा है तो ये बहुत ही गलत बात है हर इंसान को अपनी बात कहने का हक है कोई किसी का गड़ा नहीं दुबोच सकता और दूसरी बात अगर कोई धक्का मुक्की में कोई गिर जाता है वो एक अलग चीज है उसको मारना हमारी नज़र से नहीं है और तीसरी बात यह है कि आपस में जब आप लोग पूछ रहे हैं तो उसका जवाब दें अगर नहीं देना तो आप ये कह सकते कि मैं नहीं दूंगा लेकिन हाथापाई करना हमारे नजरिए से बहुत ही गलत है आश्रम में ऐसा अगर कोई कर देता है क्योंकि वहाँ छह करोड़ लोग आते हैं कोई ना कोई अगर ऐसा बोल देता है तो हमारे पहले गुरु जो श्यामस्ताना जी महाराज आए थे वो सेवादारों को कहा करते थे कि आप 24 घंटे व्रत रख लें खाना ना खाएं ताकि आपको पश्चात आए यार मैंने ऐसा किया था कम से कम समझ तो आए तो हमें लगता है ऐसी पहल अगर लोग कर लें तो आगे से शायद वो ऐसा ना कर पाए 24 घंटे काफी है दो दो घंटे खाने वालों के लिए नमस्ते जी मेरा यह सवाल है आपको यहाँ से बोल रहा हूँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका जो सच्चा डेरा जो यूपी पंजाब के बाजू यूपी आ, का उत्तर भारत के ऊपर है बर्नावा, तो बर्नावा। और आपको जो अभी उसकी और शाखा है भारत में बना सकेंगे जिस तरह से आप उस, उस एरिया में पब्लिक लोगों के जिस तरह से सब प्रकार के सेवा प्रकार दे रहे हैं और सुधार रहे हैं तो साउथ में या उस तरफ में उसकी आपकी कुछ शाखाएं खोल रहे हैं और दूसरा ये मेरा सवाल और भी है कि आपके पास बहुत सेवक लोग हैं क्या आप भविष्य में आगे कुछ उन लोग को राजकारण में सामाजिक लाने की इच्छा कर रहे हैं जैसे आपने पहली बात की तो हमारा मुख्य आश्रम जो हरियाणा में राजस्थान पंजाब का बिल्कुल वो बॉर्डर एरिया है दिल्ली का भी और यूपी में भी आश्रम है यहाँ पनवेल में आश्रम है 94 में यहाँ पे हम लोग आए थे 92 थ्री में यहाँ हमने बहुत सत्संगें की थी तो यहां भी एक आश्रम है तो पूरे देश में जगह जगह पे आश्रम है विदेशों में भी है लेकिन उसका मेन जो बात है है वो यही है किसी से दान नहीं लेते अपने पैसों से ज़मीन खरीदी जाती है और वहीं के लोग अगर चाहते हैं कि आश्रम बनाओ तो बना देते हैं और वहीं के लोग संभालते हैं और वहां नशा चढ़ाव के अंदर और जो बुराइयां छुड़ाना वो चीजें वहां पर लगातार चलती हैं तो ये लगातार हम कर रहे हैं और करते रहेंगे रही बात दूसरा आपका सवाल कि क्या राजनीति में ये बचपन से हमें हमने कभी सोचा भी नहीं था जी जी आपने कुछ ऐसा किया अपने आदमियों को उसमें आपका कुछ आपका से... जो सेवक लोग बहुत हैं आपके पास बहुत सेवक लोग हैं जी जी उनको भी कुछ आगे समाज सेवा करने के लिए या राष्ट्र के सेवा करने के लिए कोई ग्रुप या कोई पॉलिटिक्स पार्टी भविष्य में हमें नहीं कह रहा अभी एक दो साल तीन साल जो नवा युवक को नेता बनाने की कोशिश में करना चाहेंगे किया जाए जी वही बात हम कह रहे थे कि हम इसमें कोई ये चीज नहीं रखते हाँ जो 125-26 कार्य हम लोग कर रहे हैं पूरे लोग मिल कर रहे हैं और लाखों लोगों ने वो फार्म भरे हुए हैं कि हाँ हम ब्लड डोनेट करेंगे हम सफाई महाअभियान मुंबई में किया था आ, आपको याद होगा शायद यहाँ इस महानगर को छः या सात घंटे में पूरा साफ कर दिया था और हो सकता है फ्यूचर में भी यहाँ के लिए भी ऐसा और सोचा जाए तो वो लोग लगातार ये कार्य कर रहे हैं ब्लड डोनेट कर रहे हैं पेड़ पौधे लगा रहे हैं पर वो पार्टी बना के और वो राजनीति में आने का ऐसा कभी सोचा नहीं जी सो बाबा जी जैसा अब चूंकि आप बॉलीवुड में हैं बॉलीवुड के और प्रोफेशनल एक्टर्स जैसे ऋतिक हो या अक्षय वगैरह उनकी तरह आप भी क्या कुछ वर्सेटाइल अपना एक्टिंग प्रूव करना चाहेंगे क्योंकि अभी तक आपने खाली एम सीरीज की मूवीज ही की हैं तो उसके बाहर भी क्या आप कोई और मूवीज करेंगे जैसे बॉलीवुड की टिपिकल मसाला मूवीज हों लाइक दबंग एंड ऑल दैट हम मसाला तो नहीं ज़्यादा लगाएंगे <laughs> 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 और वो वाला मसाला कभी भी नहीं जिससे समाज बिगड़े हाँ बाकी सच्चाई वाला मसाला नहीं वो हकीकत जो है वो हम करते रहेंगे काफ़ी लोगों ने अप्रोच भी किया है अभी जैसे ये मूवी आई इससे पहले एक मूवी बन के तैयार हुई है वो है ऑनलाइन गुरुकुल तो उसमें ये दिखा पूरा एक जैसे अवतार मूवी आई थी उससे भी एक वो बड़ी मूवी है जो तीन घंटे तक चली गई हमने बहुत जोर भी लगाया कि कम हो तो उसमें ये चीज़ें दिखाएगी कि पहले कैसे होता तो इस टाइप की मूवी हम करना पसंद करते हैं कि जिससे समाज में बदलाव आए आ, हम कैसी एक्टिंग करेंगे कैसा नहीं वो तो आप लोग जाने आपको एम टू अभी तक चल रही है लगभग एक साल होने वाला है लोगों को बड़ी पसंद आई है पांच छह शो उसके कंटिन्यू लगातार चल रहे हैं और हमें लगता है कि अगर आप लोगों को पसंद आती है तो हमारी की जो बात है एक्टिंग है वो सही है और आपको अगर पसंद नहीं आती तो हमें लगता है हम और सुधारेंगे ताकि आज के नौजवान और उसको अच्छे से देखें और आगे बढ़ जाएं बाकी अलग से कुछ वो मसाला मसूला कभी सोचा नहीं है इस तरह गुरु जी गुरु जी मेरा आखिरी सवाल है आपसे अगर लेफ्ट में हूँ लेफ्ट में हाँ जी हाँ जी सर आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो जी आप अपने बेटे को कब लॉन्च कर रहे हो किसको बेटे को बेटे को आ, उसका उसका कभी इंटरेस्ट नहीं रहा इस चीज़ में ज़्यादातर वो जो कार्य करता गेम्स वो बहुत खेला है क्रिकेट का नेशनल प्लेयर रहा है शूटिंग गन शूटिंग का नेशनल प्लेयर रहा है टेनिस का अब इसका बेटा भी आगे खेल रहा है वो दस साल का है तो ऐसा उसका कोई ख्याल आ गया तो उसको लॉन्च कर देंगे उसमें कोई डर नहीं कि कोई कुछ करना चाहिए बेटियों ने चाहा जैसे अभी देखा आपने ज़्यादातर डायरेक्शन जो है बेटी ने किया है हमने इसको सिखाया दो फिल्मों पिछली और इसने पूरा डायरेक्शन किया है और इसने एक्टिंग भी की है आप जब ट्रेलर के शुरू में देखते हैं जो गन लेके कह रही है कि सर का एक भी कदम ऐसा नहीं होता तो वो बेटी ही है और एक दूसरी बेटी जो हमारी बड़ी बेटी है वो भी इसमें एज ए हीरोइन वो हमारी एज ए सिस्टर है तो ये इनको तो क्या अगर वो चाहेंगे तो उनको भी ले आएंगे जब वो उनकी इच्छा होगी थैंक यू थैंक यू सो मच प्लीज जॉइन अस फॉर लंच आउटसाइड थैंक यू गुरु जी जी आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत बहुत बहुत आशीर्वाद भगवान आप सबको ताकत दे शक्ति दे ताकि समाज की बुराइयों को समाज से निकाला जा सके बहुत बहुत आशीर्वाद बहुत बहुत स्वागत